एक जन बताएगा कि यहाँ पे क्या सोच के आ रहा है कोई क्लास करने। एनीवन, पलक। कुछ नया सीखने और क्या? ओके, इफ आई गिव यू चॉइसेस, वन एडुकेशनल, सेकंड हॉबी, व्हाट विल यू चूज? आई गेस हॉबी। यस, दैट इज माय पॉइंट। So basically, when we started essay writing class, I mean when you people started essay writing class, it was more of an educational thing. But जो लोग सिर्फ education सोच के ये वाला classes continue किए थे ना, वो लोग धीरे धीरे निकलते गए इस class से. The people who were really only interested in writing and just wanted to write because they want to, without finding what it will give you, are the people who are present here right now. That is what hobby is. And hobby, सब लोग सोचते हैं कि ना हॉबी एक हॉबी होती है, हॉबी क्या हेल्प करेगी? बेसिकली एडुकेशन आपको हेल्प करता है जॉब दिलाने के लिए, बट हॉबी आपको हेल्प करता है आपकी पर्सनालिटी बनाने के लिए। आपके पास एडुकेशन होगा, जॉब जरूर मिलेगा, पता नहीं कैसा, लेकिन हॉबी से पर्सनालिटी बनता है, पर्सनालिटी होगा तो जॉब अच्छा ही मिलेगा। हम नहीं बोलते यहाँ पे सबको जॉब चाहिए, बाई जॉब आई मीन वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन द करियर। दिस वॉज अ फर्स्ट पॉइंट कि ऐसे राइटिंग डू इट बिकॉज इट बिल्ड अप योर पर्सनैलिटी। बिल्डिंग अप वंस पर्सनैलिटी गिव्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। सेकेंड पॉइंट इज वेन देर वॉज सर ओनली टोल्ड अस वन पॉइंट। देर वॉज अ फुटबॉलर, उसको ना फुटबॉल खेलने के लिए पहली बार जब चेक मिला था तो ही वॉज लाइक कि मेरे को फुटबॉल खेलने के लिए पैसे भी मिलेंगे। So that is what happens when your hobby becomes your career. या फिर आप हॉबी में ही अच्छाई खोजने लगते हो। तो एक राइटिंग, ऐसे राइटिंग जो क्लास है यहाँ पे, सिर्फ एडुकेशन को छोड़ के बहुत सारी चीजों पे ध्यान देता है, और उसमें सबसे फर्स्ट होता है पर्सनैलिटी। मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास एवरी ह्यूमन बींग शुड डू इज दिस क्लास, विच इज ऐसे राइटिंग क्लास। ओके, some of my personal experience I would like to tell you. तो जब मैं start की थी ऐसे writing class, I was shy, like very shy. मैं लिख सकती हूँ, I could write a lot. Speaking, I did not know. मुझे नहीं पता था बोलते कैसे, मुझे नहीं पता था how a word is pronounced. मतलब एक हिंदी में बोलने में भी confidence होता है, that confidence ना which comes from inside. बट यू विल हैव टू एक्सेल इट। इट पैदा होती कॉन्फिडेंस तो डाल के नहीं देता कोई। दैट इज अ स्लो प्रोसेस विच आई लर्न हियर। कॉन्फिडेंस वॉज अ फर्स्ट थिंग आई लर्न, सेकेंड थिंग विज पर्सनैलिटी। थर्ड, ये पॉइंट बोलती हूँ कि सर एक बात बताए थे हम लोग को, सर ये जो हम अभी तक रैंडमली बोलते रहते खुद को, इस चार दीवारी में सीख लो, दुनिया सिखाएगी तो बहुत बुरी तरीके से सिखाएगी। तो learning a thing when a person is teaching you very nicely is something which comes as a blessing, and I am not telling this out of pleasing words, I am telling this out of experience. किसी के मन में question होगा कि learning is तो forever process, हम लोग अभी यहाँ पे 2 साल सीख लेगा तो बाद में थोड़ी ना हम लोग का सीखना बंद हो जाएगा। उसका आंसर है, अगर यहाँ पे प्रिपेयर हो जाओगे ना कि सीखा ऐसे जाता है, तो जब दुनिया बुरी तरीके से भी सिखाएगी तभी भी तुम लोग सीख पाओगे। सो व्हाट आई वांट टू से आउट ऑफ ऑल दिस, यू नो व्हाट एवर आई सेड, कि चेरिशिंग एवरी मोमेंट इज द मेन पार्ट ऑफ इट। I did this class before 6 years. 6 years passed by, and I learned. You know, I remember every word of it yet. That's a very great thing to tell. Why? Because it developed my personality. If it would not have, I don't know. Will it benefit everyone? No. Will it benefit to those who want to? Yes. So it depends on you people how you want to take this class. It really is very helpful in life. I'm standing here. Obviously, I've not done the greater achievements yet. I do not know how it is. I'm just 21. But what I know is that I am 21 standing here out of confidence and hoping a lot of these classes helping me in future indeed. Thank you. Anisha, आप हमको ये बोली थी, हमको ये बहुत distinctly याद है कि मेरे मैंने student life का ये एक बहुत important part है। Yes. Is it not a very big statement to make? Because student life में friends होते हैं, boyfriends होते हैं, friend माँ, मतलब
ना कुछ होता है एंड टेलिंग ओके ए टीचर हु कम्स इन साइकिल टू कम टू टीच, उसको ये कॉम्प्लीमेंट देना क्या कुछ जोश में होश खो के बोलने वाला बात नहीं हो रहा है? नहीं था सर, लेट मी टेल यू, लेट मी डिस्क्राइब यू दिस. ओके हमको दिस इज अ हमको ये अक्सर बार बार याद आता है तो हम सोचते हैं मे बी सी सेड इट आउट ऑफ नो आई डिड माने नॉट आउट ऑफ जोश. आई स्टिल बिलीव दिस सेंटेंस आउट ऑफ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई डू दिस बिकॉज आई वाज अ वेरी शाय गर्ल सर, यू नो दिस, एंड आई डिड नॉट हैव मच फ्रेंड्स. लाइक आई कैन जस्ट नेम दैट फ्रेंड बिकॉज वो फ्रेंड मेरी पहले भी थी, अभी भी है, शी इज स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड. आई डिड नॉट हैव मच फ्रेंड्स एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स. आई मेड फ्रेंड्स इन योर क्लास. I can name them. I made friends in your class because I was, you know, I used to read and they used to like what I'm saying, what I'm thinking, and that is how I made friends. My making friend process starting in that, you know, started at that class. That was the first point because that's most important part of my childhood. Second, as I told you repeatedly, that helped me building up my personality. I don't know. अगर सर हम सच बोलते अभी तक वो क्लास नहीं होता, हम अब यहाँ नहीं होते. मेरे को बोलना ही नहीं आता था ना. I learned there to speak, and I am proud of the way I can communicate to people. हम नहीं बोल रहे हैं best at it. I'm just saying I am sustainable. Earlier I was not sustainable. So making a person know how to sustain in life is very important. My journey was from a girl जिसको कोई नहीं जानता था in school, from the girl whom everyone knows in office. शायद सेंट पॉल्स में कोई नहीं जानता था ना, वो फर्क नहीं पड़ा सर, छोटा सा था. अभी विप्रो में मेरे को 2000 to 2500 people know. That's a great deal of thing for me. कैसे ये क्या हुआ? मतलब how did you? ऐसा कुछ नहीं हुआ. Like obviously I work as an HR, so I'm good at communication. People want to communicate to me. That is how I can put it in very easiest words. Okay. And यही बात है. तो वो मेरे लिए बहुत important phase था sir. हम लोग 3 साल ऐसे writing classes किए होंगे और वो 3 साल में बहुत कुछ सीखे. हम बोला तो सबसे first point उसमें personality development होता है, subconscious level होता है. Subconsciously we learn how sir हम क्या बोला यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग hobby के लिए. अगर आप अपने हॉबी पे वर्क करते हो तो आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा ही होगा. हम लोग इतने बड़े बड़े जगह से बिलोंग नहीं किए. हम लोग सबको यहाँ पे आर कमिंग अप फ्रॉम अ वेरी यू नो मिडिल मेंटालिटी पीपल. सो वहां पे हम लोग आधा लोग को पता ही नहीं हम लोग का हॉबी क्या है. जो लोग अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, यहाँ पे आई कैन सी 13 पीपल, दे आर हियर बिकॉज दे फाउंड देयर हॉबी. According to the research, psychological research, there are very small group of community which can find what their actual hobby is. There are a lot of people who ask them, what is your hobby? Pata nahi, TV dekhna. Arre, TV dekhna hobby thodi hoti hai. Finding out your hobby is the first, you know, step to discover how can you develop your personality. And they have crossed their first step, how to develop their personality, because they're doing whatever they are doing as a hobby. So that is how I can tell that classes were really important to me. क्या बोली? Learning was important. Educational हमने सीखा, ठीक है, कैसे लिखना है, कैसे सीखना है. Process भी तो कोई चीज होती है. Process was also as important as the education you preached to us. अच्छा, अनीशा, you often used to say, I still remember, के lots of thing answers that I used to keep asking myself, I used to get it in this class. I hope you remember this. आप बोलती थी कि बहुत सारे सवालों का जवाब हमको इस क्लास में अपने आप मिलता था. Could you clarify on it? मैंने क्या आप बोलना चाहती थी? I can. हम बताते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत lines है, quote to quotes में को remember है. So, I was a very competitive person and particularly only essay writing classes. Okay. So, what used to happen कि I used to give my best, okay? And still, during the initial stages, I was not so good at speaking. And my competitor, who was my best friend indeed, was. She was very good at speaking. So, I was juggling for at least
3 to 4 weeks दैट यार मैंने लिखा है उससे अच्छा, मेरे को पता ना मैंने पढ़ा उसका ऐसे, मैंने पढ़ा मेरा ऐसे, मेरा ज्यादा अच्छा था, उसको कैसे मिल गया अचीवमेंट कार्ड मुझे नहीं मिला. सो दैट वाज समथिंग कि मेरे को समझ नहीं आता था यार ऐसा क्यों हुआ, उसको मिल गया मेरे को नहीं मिला. वन फाइन डे आई वाज लाइक यार फाइंड आउट करेंगे, सुनेंगे उसका कि क्या दिक्कत हो रहा है. एंड दैट डे ऑल्सो शी गॉट द अचीवमेंट कार्ड. And after the entire process was completed, everybody read out their essays. Sir told कि ना लिख तो बहुत लोग लेते हैं, read करना भी तो कला है. If communication is, you know, writing and reading as well. That day was the day I worked on my reading. Sir ने सबको कहा था, ठीक है सबको कहा था, but I found the answer to my question. Maybe sir ne normal statement kaha hoga, mujhe answer mila. So that was the first point I learned ki yaar reading bhi kuch hai, and I started working on it because I'm lying behind there. There was one more point. Matlab I started writing my own poetry that time. Naya naya shauk tha, naya naya seekhi thi poetry likhna tha. I used to write poetry and yaar 9-10 में रहते हैं, कितना एक्सपीरियंस रहता है लाइफ का जो हम लोग के पास पोइट्री की टॉपिक्स होगी. सर ऐसे का टॉपिक्स देते थे, वेरी इंटरेस्टिंग. आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू नोलन व्हेन आई वाज इन क्लास 9. ठीक है मेरे को क्रिस्टोफर नोलन का नाम नहीं पता था कि ओके दिस इज ओनली क्रिस्टोफर नोलन. इंटरस्टेलर तो देखी थी, नाउ स्टैंडिंग हियर आई नो हु क्रिस्टोफर नोलन इज. उसका लाइफ का कम से कम एक पैरा बता दूंगी. सो बेसिकली उस समय पोइट्री लिखना स्टार्ट की थी, टॉपिक्स का बहुत कमी था. आई डू नॉट नो ऑन वॉट टू राइट ऑन. यार रोमांटिक 2-3 तो पोएम्स लिख लेंगे, लाइफ के ऊपर 2-3 तो पोएम्स लिख लेंगे, उसके बाद इज पोइट्री फिनिश? नो. दिस वॉज द प्लेस हु इंट्रोड्यूस मी कि देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ टॉपिक्स इफ आई वॉन्ट टू राइट. सो दैट वॉज मेरे को सर कुछ बताते, सर पर्सनैलिटी रिलेटेड, नॉर्मल यू नो माइंड रिलेटेड, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर टॉट टू अस. And उसमें मेरे को टॉपिक्स मिलता था टू राइट फॉर माई पोइट्री. आई हैव अ कलेक्शन ऑफ 100 अबव पोइट्री राइट नाउ, एंड दैट इज बिकॉज द टॉपिक्स मेरे पास अभी तक डायरी है सर, जिसमें हम टॉपिक्स लिख लिख के रखे थे, जो मेरे को ऐसे राइटिंग टॉपिक्स में मिलता था कि अच्छा ठीक है हम इसमें पोएम लिख सकते हैं, हम इससे पोएम लिख सकते हैं, बिकॉज यू यूज टू टॉट अस दैट वे. एक टॉपिक अगर हम लोग आप सिखाए थे, याद है सर कि ऐसे लिख लिए, एक टॉपिक देते थे ऐसे लिखा देते थे, उसके ऊपर हम लोग 15 मिनट डिस्कशन करते थे कि ये वाला टॉपिक और कहाँ कहाँ लग सकता है. दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऐसे राइटिंग क्लास ऑन एन एडुकेशनल बेसिस. तो आपको कुछ एकदम मतलब अच्छा से मतलब कुछ प्रोमिनेंटली याद है आपको कि ये क्लास वॉज रियली वेरी, वैसे तो बहुत कुछ याद होगा बट Basically I have a question, and mera favorite class aapke sath, right? So there is this one class I prominently remember. There are a lot of classes, but it depends, you know, I want to say this because life does not depend on success and failure stories create a much deeper stories than the success stories. So this is one of them. I remember there was one essay which was you know, given to us. It was creating your own brand, okay? So, and I wrote on leaf that my brand is a leaf, okay? And why did I choose that was because I always felt, you know, a human being corresponding to be a leaf. So I wrote in it, I was new into poetry. I wrote a poem. The poem was very complicated. I understand it now. अब पढ़ती हूँ लगता है यार इतना simple कर सकती कि बहुत complicated हो गया. ठीक है वो ऐसे मैंने poem लिखा था. It was more of a 120 line poem. And उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा paragraph था. There was one of my competitor more. Okay. वो अच्छा लिखता था. ठीक है जो भी है. So he wrote on kite. ठीक है तब तक मेरा प्लेस बन गया था एक, क्योंकि मैंने रिसेंट में कॉन्सिक्वेंटली 10 अचीवमेंट कार्ड लिया था. तो आई वाज लाइक मेरे को ही लेना है, मतलब वो एक तो अग्रेशन और ग्रीड वाला चीज आ जाता है ना आफ्टर यू अचीव 10 टाइम्स कि नहीं मेरे को ही लेना है कुछ भी हो जाए. बट मेहनत की मात्रा कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि भरोसा हो जाता है कि ठीक है द बेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एज गुड एज मी, मैं थोड़ा सा भी मेहनत करूंगी तभी भी आई विल विन फ्रॉम ऑल द अदर पीपल. दैट हैपेंड.
and my essay was a little bit complicated. My topping choosing was really nice, but later I read it, he read it, and he won it. And I was so heartbroken because कहीं ना कहीं आई हम सोच के रखे थे शायद क्लास के पहले कि मेरे को मिलना है ये. एंड दैट वाज द ओनली क्लास आई वाज इन ग्रीट बिकॉज ठीक है मैंने तो पहले से लीफ के ऊपर लिख के रखा है आई कॉरेस्पॉन्ड विद लीफ आई हैव रिसीव्ड अचीवमेंट कार्ड्स आई विल गेट इट सो आई डिड नॉट गेट इट आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन एंड उसका ऐसे अच्छा था ठीक है आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम दैट हिज ऐसे वाज रियली रियली नाइस बट I read my essay वहाँ पे शायद क्लास में बैठ के मैंने 10 times अपना essay read किया होगा just because I did not get the achievement card and somewhere I could see Shainwat sir realizing this and there were some words he told and I think maybe he understood what wherever I went wrong and sir told me that pre-preparation is okay, but working on the pre-preparation is also very important. And he also told where my faults were and that it was too complicated and complicated hamesha achha nahi hota hai. Simplicity, complicated achha hota hai. Obviously, you use good words, you get good marks, but complicated in a bad way is still bad. Right? Different does not mean unique. That is what he meant. And that is the class I still remember because that taught me ki agar 10 baar hard work kar liye to zaruri nahi hai ki 11th baar bina hard work ke mil jayega 11th time it will take the equal hard working it agar main 10% bhi usse kam kar dungi to usse kam hoga just like example if I am progressing to mere samne wala bhi to progress kar raha hai to agar main 10% bhi kam ho gayi to main uske kam ya usse barabar aa jaungi to how will I win so hard work is equally very important in every phase of life whichever is it chahe hum log kitna bhi success kar liye and that was we learned passively see ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देता है सर कि ना आप मेरे को बोले थे ना अभी पूछे थे कि आप बोलती थी बिना पूछे क्या चीज का आंसर मिल जाता है देखिए ये मेरा मतलब था अब बहुत सिंपल सिंपल हो गया थोड़ा हार्ड हिटिंग इंटीमेट क्वेश्चन यू मस्ट हैव क्राइड मेनी टाइम्स राइट ऐसे राइटिंग क्लास और रोए कोई ना तो आप अपना थोड़ा रोने का कहानी बताइए Okay, so crying in the sense, in which way you mean? Like crying out of anguish ki mere ko nahi mila ki crying out of happiness ki wow, why is this essay like this? Neither of them. I mean, hum jaise essay writing class mein crying ko bhi promote karte the, wo rone ka baat ho raha. Matlab, there are times you cry. Probably humko yaad hai ki once I showed, it was not probably essay class mein bhi. Arey wo kya, ek movie tha na, Nirbhaak. Haan, Nirbhaak, That made you cry, I remember, very bitterly. Yeah, I remember that too. Okay, so that was a movie, Nirbhaak, which had 4 parts. And usme, basically, it sort showed us that movie because in related to How to Kill a Man, 5 Ways to Kill a Man, is poem ke this corresponding mein aap kiye the, wala movie dikhaye the, ki dying is not only dying, through you know unconscious dying is a very greater concept so and acha anisa sorry to cut you short isse pehle ka ye bataiye ki aap roi thi tell these people ke how crying was normal in our classes matlab rona ek hasne jaisa hi part tha matlab crying was never a taboo there ye okay kyunki ye log naye hain most of them almost all okay so ek छोटा सा ब्रीफ पॉइंट देंगे इसके पहले आप ही बताए थे ये पॉइंट कि क्राइंग इज अ नेगेटिव इमोशन हैप्पीनेस इज अ पॉजिटिव इमोशन बट यू ट्राई टू रिमेम्बर बट क्राइंग इज इम्पैक्टिंग यू डीप एंड स्माइलिंग इज यू नो इम्पैक्टिंग यू लाइटर सो क्या होता है कि व्हेन यू क्राई यू रिमेम्बर Like, when did you cry last time? I remember I cried 3 days earlier at night. When did I smile next time? अभी 2 मिनट पहले स्माइल की थी शायद इसीलिए याद नहीं है So, crying is a very deeper emotion. When you cry, you remember. So, this thing was very normal
Why was it normal? कि when you are crying ना, देखो biologically I won't go, I'm a psychology student, so it will take a lot of time. So what I want to say is कि when you cry, it impacts you so deep that you tend to remember it for a very large period of time. Like जो निर्वाक वाला सर बोले, I cried that time. That is the reason I remember it yet. After 6 years, I remember it. Because that was a deeper emotion. मेरे को वो रोने के चलते ये याद है कि वो स्क्रीन पे मैंने क्या देखा था. So, and this is a very light background I'm giving why crying is important. Next comes, why was it not a taboo in the class? It was not a taboo in the class because सर ने हम लोग को बताया था ना ये बात, नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन. और सर के अकॉर्डिंग हमेशा से ये था कि रोना नॉर्मल चीज है. क्यों नॉर्मल चीज है? क्योंकि अगर आपको हंसने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंसने में कोई फॉल्ट नहीं है, तो रोने में क्यों? सब लोगों को लगता है कि रोने से आई एम पुटिंग माई गार्ड्स आउट और I am showing the transparent me, somebody seeing me crying. Why is it so? There is nothing like this. You can cry. But not everywhere, obviously. That is a concept what sir introduced us to very earlier. Hum kya bola, everything was so interconnected. So suppose char diwari mein seekh jao, kyunki bahar mein duniya gande tarike se sikhayegi. तो रोना भी यहीं पे चार दीवारी में ठीक से सीख लो. अगर बाहर जाके गंदे तरीके से रोगे, द वे इट इज नॉट सपोज टू क्राई, देन दुनिया और बुरी तरीके से रुलाएगी. सो नाउ इट कम्स कि रोना कहाँ है. सपोज तुमको लग गया, यू विल क्राई, ठीक है, वो बायोलॉजिकली है, लग गया, उसमें रोने का ज्यादा बात नहीं है. बट समथिंग विच यू सी विच इज रियली नाइस विच इम्पैक्टेड यू डीप इनसाइड, यू क्राई ऑन इट एंड यू फील लाइक दिस हैज इम्पैक्टेड यू डीपली, देन दैट क्राइंग इज वर्थ इट. मतलब अगर तुम लोग अपना आंसू बहा ही रहे हो तो कम से कम अच्छी जगह बहाओ. वो था सर का बोलने का आई मीन वे. एम आई राइट सर? यस यस राइट. सो वो वाला चीज था निर्बाक में. हमको याद है वो दिन सर, वो मूवी चार पार्ट में डिवाइडेड था. तो आई रिमेम्बर बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट. सो देयर वाज दिस वन पार्ट व्हेन I remember the two movies very clearly. Okay, so the one part of that movie was where that man was single alone, and he was celebrating. At the end period of the time, he was so alone that he used to fantasize himself because, and then he dies bathroom mein girke. That was a very lonely story. Second was then a woman dies and she was, her body was stored in a, you know, hospital ka wo backyard type, and wahan pe a man tries to rape her. So these were the two prominent stories I remember yet out of that four stories of Nirbhak. One was some dog oriented. I don't remember it properly. So I cried in that मैन का स्टोरी कि वहां पे वो एंड में इतना लोनली हो जाते हैं कि वो फैंटेसाइज करता है, लेकिन बिकॉज ही वाज सो लोनली दैट नोबडी वांट्स टू स्पेंड टाइम विथ हिम, एंड दैट इज व्हाट रियल फियर इज. लाइक आप गए, आप मर गए, कितना फील हुआ? कुछ नहीं, ठीक है. बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ फेज व्हिच इज एज वर्स एज डाइंग, एक्चुअली worse than dying, then you really want to die. मतलब मुंह से निकल जाए बात, क्या इससे अच्छा तो मैं मर जाती, वो वाला लेवल होता है. So if you, that's what I empathized with that man, and empathizing made me cry. So main motto of this class was also empathizing. So I cried because it was normal. I cried because I empathized, and I cried because I was supposed to. If I would not have, I was not a human being at that time, I think. Very good. अच्छा सर, ये लास्ट कुछ सवाल मैंने एक दो के दिस क्लास यू आर सेइंग हेल्प्ड यू इन सो मेनी वेज. ओके, बट अभी फॉर एग्जांपल निर्वाक में, व्हेन यू आर वाचिंग निर्वाक, हम कुछ नहीं बोल रहे थे. व्हेन यू आर स्पीकिंग इन द क्लास, हम कुछ नहीं बोल रहे थे. व्हेन यू गॉट अचीवमेंट कार्ड, हम कुछ नहीं बोल रहे थे. इजंट इट वेरी स्ट्राइकिंग दैट अ क्लास व्हिच यू आर सेइंग हैज इन्फ्लुएंस्ड यू सो मच, in most of them I did speak the least in the class. Agreed, agreed, yeah. So what is your take on it, and how do you
Okay, this is a very easy concept, like a very deep concept, but a very easy concept to understand that there is a lot of differences in the usage of words we use, same as in the role of human beings can play. Suppose there is a difference between a boss and a leader, a difference between a teacher and a moderator, a difference between, sorry, coach and a teacher or a coach or a... Yes. Basically, मतलब जो concept, easy concept में हम लोग बोलते boss और leader वाली चीज sir, कि boss होता है जाओ ये कर लो, leader बोलते हैं ठीक है मैं करवा रहा हूँ करो, तो वो वाली चीज होती है. तो बहुत बार जब कोई group में we are working, a person who is a good moderator can moderate things, and that can turn into a great lot of teaching. Sir, you have one brain. ओके, एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल टर्म है कि वी कैन यूज मैक्सिमम 7% ऑफ आवर ब्रेन. ओके, सो इफ आई कैन लर्न फ्रॉम ओनली 7% ऑफ यू, कितना सीखूंगी? 7% ज्यादा से ज्यादा. बट इफ देयर आर 13 पीपल इन दिस ग्रुप, अगर 13 का 7% आई एम टेकिंग सम पार्ट ऑल्सो इन, एम आई नॉट गेटिंग और लर्निंग मोर देन हाउ आई वाज सपोज टू? सो दैट वॉज द ओनली कंसेप्ट ऑफ एसे राइटिंग क्लास. अ मॉडरेटर इज इनफ when the students or the people want to learn. Learning ka koi medium thodi hota hai ki high se low, low se high, medium to medium. Knowledge can flow through any medium, and that is how a good moderator or a good teacher can tell you how to use it really nicely. But I agree to what you're saying, lekin hum bol rahe hain normal stereotype believe ye hai ki teacher should teach, students should learn. And I broke this concept intentionally. So, yes. And did it really pay off or did it bounce off? It paid off. Why will it not pay off? So, okay. This is also, you know, a deep thing to understand for me, I think. Because there have been teachers who will tell you ki, सर वही तो बात है ना, जब आपको पढ़ाना होता था आप पढ़ाते थे. अगर आप मेरे को मर्चेंट ऑफ वेनिस वाले टाइम पे बोल देते कि ठीक है ये तुम बोलो ये तुम बोलो, उस समय नहीं चलता. उस समय आपने पढ़ाया, उस समय यू वर सपोज टू टीच, सो यू टॉट अस. बट ड्यूरिंग एट द एसे राइटिंग क्लास यू वर सपोज टू मेक अस लिसन थ्रू ऑल द पीपल टू फॉलो व्हाट द अदर्स आर सेइंग, यूटिलाइजिंग अदर्स माइंड. दैट वॉज इम्पॉर्टेंट. सो स्टीरियोटाइपिंग ऐसी चीज होती है ना कि ये माउस ब्लैक है, मतलब ये माउस ब्लैक है मतलब कि लैपटॉप भी ब्लैक होना चाहिए. इज इट ट्रू? नो. सो इंडिया स्टीरियोटाइपिंग इज कि अगर लैपटॉप ब्लैक है तो माउस भी ब्लैक होगा. सो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दीज टू, दैट इफ समवेयर यू नीड टू टीच यू विल नीड टू टीच, बट इन समवेयर यू विल नीड टू एक्ट एज अ मॉडरेटर एंड लेट अदर पीपल स्पीक सो दैट अदर्स कैन लिसन एंड गेट नॉलेज थ्रू दैट. दैट इज इम्पॉर्टेंट इक्वली. And that is what you believed in. You did not believe in ki pura chhod de, or you did not believe in ki pura padha de. You believed in the right thing at the right place. Thank you. Achha, khair, ab ye sawal ek matlab realization hai aur comment aur gratitude hai ki I was saying to this class in the beginning ki ek saal pehle I had only 2 students, okay, as a reading class mein. Mm-hmm. And without missing a single Sunday, I don't remember, I taught them for 2 years, only 2 students. Okay. And people like you who said ke mere student life ka sabse acha part hai, kept me going in those days. Okay. It was very difficult to teach 2 students Sunday after Sunday, Sunday after Sunday for 2 years. And then financially, logically, logistically, projector chalu karna do aadmi ke liye, bahut mushkil hota tha, let me be honest. Utna tayari karna, ek unique sawal khoj ke lana. But I kept, I people like you actually kept me going. हम आपसे कभी मिलते नहीं थे, but always used to remind myself कि Anisha said this कि मेरे student life का एक बहुत अच्छा part है ऐसे writing, and ये बुलवा लेना किसी के मुंह से कोई आम बात नहीं है. आज के बच्चे के life में लाखों चीज होता है. PUBG में मरे बैठे हैं लोग, मतलब हजारों चीज हो रहा है उनके life में ना. Life has become so dynamic. उस इस डायनामिज्म में ये किसी के मुंह से सिंसियरली बुलवा लेना वाज वेरी अचीवमेंट ऑन माय पार्ट. तो दैट केप्ट मी गोइंग. मतलब वो 2 साल और भी बहुत ऐसा हुआ, बट आई डिड केप्ट ऑन गोइंग. मतलब हो सकता है आप जैसा किसी को ही कोई ना एक बेनिफिट मिलेगा. एंड एज यू सेड, विल इट बेनिफिट एवरीबॉडी? आई ऑल्सो एग्री इट विल नॉट, बट दोज हु वांट विल गेट एक्सट्रीम बेनिफिट. ये भी हम बात है. सो यही सोच है, इसी से हर संडे अपना इस पे इन्वेस्ट करता है.
ऑब्वियसली सर, अगर आप 2 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिन लोगों को सिर्फ एडुकेशनल बेनिफिट लेना था वो लोग स्टोली स्टोली यहाँ से हटा है. ये हम लोग ऐसे राइटिंग वाले बैच में भी ऑब्जर्व किए थे. बट जो लोग सिर्फ लिख रहा है लर्न करने के लिए, नॉट थिंकिंग कि इससे इन लोग को क्या बेनिफिट मिलेगा, देयर फाइंडिंग आउट देयर हॉबी ना. सो यहाँ पे जितने लोग है वो लोग ऑलरेडी ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो लोग ये क्यों कर रहे हैं. जिन लोगों के पास आंसर नहीं कि वो लोग ये क्यों कर रहे हैं, वो लोग शायद अभी भी राइट स्पेस पे नहीं है. जिन लोगों को पता है वो लोग क्यों कर रहे, दे आर रियली एट द राइट स्पेस. ये होना बहुत जरूरी है व्हाई, मतलब इवन इफ इट इज चाइल्डिश व्हाई, मतलब बट इट शुड बी अ व्हाई. या मतलब कोई बोले हमको मजा ही आ रहा है तो वो मजा भी चलेगा. हाँ चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए, प्राउड से बोल पाए कि हाँ मजा के लिए है. हाँ एक बच्चा तो बोल रहा हम सिर्फ एग्जांपल सुनने आते हैं, बट ही वाज क्लियर. या दैट्स गुड, वी गॉट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. So it was good. आपका कितना बजे जॉब है? 4 बजे. हाँ अभी तो बहुत टाइम है, आई हैव टाइम 4 बजे से. चलिए, यू हैव फ्रॉम अ गर्ल यू हैव ग्रोन इनटू अ लेडी. कितना अच्छा आप बोल रहे हैं, वेरी हैप्पी टू सी यू. थैंक यू. एक्चुअली सी, एक दिन हमारे एक गजल को बुलाया था ना, वाज वेरी मतलब वेरी मच थिंकिंग, मतलब थिंकिंग फॉर अ लॉट ऑफ डेज कि इतना साल बाद, इतना 5 साल आजकल लोग एक्स बॉयफ्रेंड को 1 साल बाद भूल जाते हैं. अग्रीड. 6 साल बाद विद सच डीपर इमोशन पीपल आर फीलिंग दिस. हमको याद है हम क्लास में बोलते थे इसको नजर ना लग जाए वो टाइप, मतलब इट मस्ट हैव टच्ड पीपल. नहीं तो 6 साल बाद लोग मतलब किसको याद रखते हैं, मतलब वो इतना ही डीप इमोशन. वही वाला कांसेप्ट है, डीपर, इट हैज इंपैक्टेड अस रियली ऑन अ डीपर लेवल. और ऐसा भी नहीं कि आई एम मीटिंग यू एवरी डे एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आप ये सिखाए हैं. Sir, all the new people I met all over these years knew you without meeting you, and that is how deeper you have impacted our lives. मतलब sorry, समझे नहीं. Okay, so the new people I've met in my life, 5 साल हो गया ना, so 5 साल में I have met new people, but all the new people I met know you because I have told them about you, and that is how deeper you have impacted us. कि आपने एक जन को पढ़ाया, लेकिन you are popular among 5-6 people. Okay, okay. Whom I've never met, but through you. Whom I've never even met. Okay, so this will keep me going. अगर, for example, इस batch में भी अभी 20 जन थे, अभी 12 जन हैं. So still, I'll keep going. I'll keep doing it. Somewhere down the line, मतलब किसी को ये मेरा कहानी ऑक्सीजन से ज़्यादा शायद दरकार होगा. ठीक, उसको मिल जाएगा वो. एकदम. So let us hope for that one Anisha, who again can benefit like you. Yes. और एक और बात नहीं, लेकिन मैंने हम लास्ट एक बार आपसे मिले थे ना, यू हैव बिकम वेरी मल्टी डाइमेंशनल. आपको एक मतलब एक मल्टी फेरस चीज में इंटरेस्ट आ चुका है, मतलब ना यू लुक एट लाइफ इट्स सो, एंड यू नो बाय नाउ कि हम कभी एग्जैग्रेट करके बोलते नहीं, हम सिंसियरली. Exactly, yes. इतना लाइफ को इतने एंगल से देखने लगे, वो बच्ची जो मेरे पास क्लास 8-9 में आती थी, और ये लुक बैक एंड मतलब शॉक वर्क वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट शायद. मतलब इतना कुछ आप जान भी गए हैं, एंड यू हैव आल्सो डेवलप्ड एन पर्सपेक्टिव ऑन इट. ये बड़ा अच्छा लगता है, एंड आई फील वेरी हैप्पी एज एन इंग्लिश टीचर. थैंक यू सर. नहीं नहीं सच बोल रहे हैं हम. सो दिस इज हाउ डेवलपमेंट वर्क्स, एंड द फर्स्ट फेज एज आई टोल्ड यू वाज एसे राइटिंग क्लास. अच्छा, एक जोक वाला सवाल, मतलब जोक वाला स्टेटमेंट. आई ऑफन यूज्ड टू टेल पीपल इन एसे राइटिंग क्लास के लिसन वेल, और ये सबको लिख लेना, एंड टेल दिस टू योर ग्रैंडसन. हाँ ये बोलते थे हम, तो क्या ये जोक का कोई सिग्निफिकेंस है? अरे सर है, हम अभी आपको वो जोक का तो अलग एंगल दिखाए कि बिना मिले हम अपने ग्रैंडचाइल्ड को भी आपसे बिना मिलाए आपका तारीफ कर सकते. तो द न्यू पीपल आई हैव मेट इज आल्सो अवेयर अबाउट यू विदाउट नोइंग यू, सो दैट इज एज सिमिलर एज दैट. जस्ट इट द जनरेशन हैज लाइक दैट वुड बी डीप जनरेशन डाउन, बट द पीपल हैव टोल्ड राइट नाउ इज जस्ट नॉट अवेयर ऑफ यू. सो दैट इज ऑलमोस्ट लिटिल बिट सिमिलर दैट यस दैट जोक वाज रियली ट्रू. एक्चुअली ग्रैंड सन तो शायद बहुत दूर हो जाता था, लेकिन आई यूज्ड टू बिलीव कि इट हैज लॉन्गेविटी आफ्टर क्लास 12. ये हम एकदम आज भी बिलीव करके पढ़ाते थे और करके पढ़ाते हैं. हाँ हाँ, ये ISC क्वेश्चन पेपर तक इसका मतलब वैलिडिटी नहीं है. एकदम एकदम, which is true, because ISC is you know education again, and we do not know where does education like, अगर हम लोग एडुकेशन वाला डिबेट करते हुए एक्चुअली नो दैट एडुकेशन इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, एंड
after that education, after class 12, you do not know what are you going to do. And like, that's a very subtle thing, materialistic thing mein aa gaya. But if you're learning it for you, for developing yourself, that will get you going till the age of 50. Yeah. So I'm very happy. Lekin ek cheez hai, jab se online aaya, maybe thoda sa dilute hua, but still. Yes, sir. But you know, we are intelligent creatures. We are, after all, human beings. We find a way out to this. Haan, we'll out find a way out of it. Khana kha liya? Haan, sir. Hum prepared the na, aaj ekdam. Chaliye, sir. From school to college to a job. Very good. अच्छा आप अभी बोले, आप अभी बोले क्रिस्टोफर नोलन हम इंट्रोड्यूस किए, कैसे क्या? मेरा फर्स्ट मूवी क्रिस्टोफर नोलन का आई थिंक इंसेप्शन देखा हुआ है एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यू ओनली. आई सॉ इंसेप्शन व्हेन यू रिकमेंडेड मी टू, सो आई जस्ट न्यू ठीक है इंसेप्शन इज अ ग्रेट मूवी. ओके देन आई सॉ दिस प्रेस्टीज, ओके अगेन द सेम डायरेक्टर. ओके देन आई सॉ बैटमैन, ओके अगेन द सेम डायरेक्टर. नाउ आई नीड टू फाइंड आउट हु दिस director is, because oh my god, he is amazing. And then learning into this, we realize ki nahi theek hai bhai, ye director ke chalte ki he is so awesome. Acha Anisha, this is all positive thing. Ab ek thoda matlab painful part bola jaye ki there will be some homework in which your heart will not be willing to write or think about it, kyunki actually going inside yourself is not all the time you want. So ye, how a kid who is in class 11 who cannot see this vision that you have seen, mane koi koi homework jo hoga unko bahut bahut matlab hurt karega, matlab not because they are lazy but because they have never gone into that psychic. To wo overcome kaise hoga, mane uske liye kya, what do you think about it? Mera answer hoga, don't overcome. Okay, this is a one word answer, let me elaborate. Sir, sabka timings alag hota hai, theek hai. I mean, if I can, there are some people who can find themselves at the age of 15, and then there are some people who cannot find themselves at the age of 27. So my answer is, if at that time you are strong enough ki aap wo wale emotions se deal kar sakte ho, go deep down. But at any moment it starts hurting you to that level that you're not able to take it, don't do that homework. I agree. Haan, hum bhi ye bolte hai ki these homeworks are optional. मतलब अगर किसी को ये लगता है कि ये होमवर्क मतलब हमको बहुत मतलब डिस्टर्ब करेगा तो नहीं करना चाहिए. And if I believe that on the other side, if it's you, agar wo log after 2 months bhi they believe ki nahi, un logo ko is baare mein likhna hai, and they want somebody to make it read, you are open for that. If in fact somebody wants me to read them for them, I can read. They can send me. I do not know any of them. People are you know, according to psychology, people are more prone to share their emotions to unknown people because they feel like they are not going to meet them ever, so they are not at loose of, you know, not at the thought of losing anything. So that is a greater concept. Fear of, no fear of judgment. Yeah. So matlab this class again, you know, reinstates my faith in investing Sundays. The time आपका फिर थोड़ा सा भी ऐसे-ऐसे होता है, आप मेरे को कॉल कर लिया कीजिए, I will do it again. Thank you. नहीं, as a human being saying कि ये नहीं होता would be a blunt lie, क्योंकि दो जन आएंगे तो agreed. ये कहना कि नहीं हम फिर भी कुछ ऐसे ही थे, that would be a cheating to blunt statement. Yes, sir. लेकिन, I agree. तो ये एक साल पहले का बात था. There were more people, more energetic people. लेकिन हाँ, having said all this, आप लोग के बैच में और उस जमाने में ना लोग बहुत ज्यादा मतलब होमवर्क किया करते थे. उनको होमवर्क तो आई वुड नॉट से, होमवर्क इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड. जब हम लोग होमवर्क करते थे ना, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत कम था. अभी सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना हाई हो गया कि शायद अगर अभी मेरे को भी कोई बोले ना इतना सारा होमवर्क करके रखना, आई विल फाइंड इट, आई थिंक इवन आई विल फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट. ये भी हो सकता है, इसीलिए आजकल हम बहुत डाइल्यूटेड होमवर्क देते हैं. डाइल्यूटेड इन द सेंस लाइक इतना ब्रांड वाला होमवर्क देने से तो पीपल वुड सिंपल ये मूवी देख के मैसेज बताइए, ये बुक, दैट इज कंपैरेटिवली इजियर कंपेयर्ड टू द होमवर्क दैट आई गिव. वो तो एकदम मतलब एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ थिंकिंग था. लाइक दिस व्हेन आई जॉइन दिस मीटिंग देयर वाज दिस गर्ल हु वाज
टेलिंग अबाउट देखने का नजरिया अबाउट आई थिंक इट वॉज पलक शी वॉज Yeah, so her, you know, judgment and eyes to see things are really nice regarding that. हाँ, ये अंगी भी आया. हाँ हाँ, agree. ये वो बहुत मतलब बहुत कुछ को relate कर पा रही थी. This is very good in studies. So. And joining the dots are the main point of writing. I wish I could talk more, लेकिन. Yes, sir. आएंगे कभी आपका छुट्टी होगा तो आई विल कम एकदम सर एकदम और आपके मम्मी पापा ठीक है ना हाँ हाँ सर एकदम ठीक है सब ठीक है तो आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए ठीक है ओके ओके सर मेरा वर्क फ्रॉम होम ही है हाँ एक मिनट किसी को कुछ पूछना है दीदी से सर हमको थैंक यू बोलना ओके वेलकम मे आई नो व्हाई आप अभी मेरे को अप्रिशिएट किए और मोटिवेट किए थैंक यू और हमारे क्लास में अप्रिसिएशन एकदम लैविश होता है हाँ होना भी चाहिए होना भी चाहिए सही बात वी आर लैविश इन प्रेजेस एंड माइजर इन क्रिटिसिज्म तो और किसी कुछ पूछना है मतलब जग रहे तो सीखा हाँ सर सर पूछना नहीं है बट मेरे को भी थैंक यू बोलना है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका बातें सुन के और मोटिवेशन मिला बहुत ज्यादा कैसे किस बात से सर लाइफ को लेके कि इस क्लासेस में कैसे उन्होंने कुछ सीखा और अब उनका अलग ही डायमेंशंस है लाइफ को देखने का है वैसे ही सर आप जैसे जानते हैं कि मुझे हर तरीके से देखना पसंद है सबका सुनना पसंद है तो मैं आप ही तो बोल रहे थे का कि हम हाँ लिटरेचर क्लास में हमको अलग-अलग डायमेंशन मिला है तो आप इतना दिन में आपको हाँ फिट है तो उसके साथ भी हुआ ये हां क्या बोल रहे थे सिखा हां सर तो वही मुझे मोटिवेशन मिला कि अब मैं और ज्यादा सीख सकूं हां और इस क्लास में बहुत मतलब इनपुट डालने होगा ऐसे से तब होगा मतलब तब ज्यादा होगा वरना फिर भी होगा बट लेवल ओके दीप्ति और सर और मुझे मन कर रहा है कि आप ऑफलाइन चालू कर दें और मैं ऑफलाइन आके सीखूं क्रिएटिव इंग्लिश नहीं नहीं पहले कोरोना का डर सबसे पहले है तो वो भी होगा एक्चुअली ना लेट मी टेल यू दिस मेरा क्लास का इफेक्ट ना संडे को नहीं होता है जब लोग सोचना शुरू करते हैं exactly. तब होता है एक्चुअली इस क्लास में भी होता है बट इट स्टार्ट्स लॉन्ग बैक Exactly. So, tenet concept. So, basically, it's like हम लोग सोच रहे हैं future replies back. I agree to Dimple Kapadia. So, the thing is कि when you are thinking, you are talking to yourself. So, that's a greater thing you have to deal with. In the class, you are, you know, only contacting to the people of 7% brain. But when you're writing, you're contacted to someone you do not even know because that's basically 93% of your brain you do not even know about. So that's a greater deal. और यहाँ गर्ल है दीप्ति इज आस्किंग के व्हाट होमवर्क दे यूज्ड टू गेट सो वो तो डिटेल्स बताना अभी ना ही वाइज होगा ना ही पॉसिबल होगा बट दे यूज्ड टू गेट वेरी हार्ड हिटिंग होमवर्क मच 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 डिफिकल्ट देन व्हाट आई हैव बीन गिविंग मतलब इससे 10 मैंने 50 5 गुना डिफिकल्ट होमवर्क था और वो होमवर्क करने के लिए अक्ल नहीं चाहिए वो होमवर्क करने के लिए मोहब्बत चाहिए अक्ल से वैसा होमवर्क नहीं होने वाला है तो कोई ब्रांड बनाएगा सब क्लास 9-10 में तो फालतू बात है सर नॉनसेंस है ये सर खैर तो वैसे सही बोल रही थी अनिशा कि अक्ल वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है हर चीज कैलकुलेट करेगा कितना क्लास किया कितना मार्क्स आया दे नीड टू आस्क देमसेल्फ बिफोर एवरी क्लास कि ये क्लास क्यों कर रहे और अगर ये है कि हॉबी है तब उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए अच्छा हॉबी इज अ वेरी मतलब बिग वर्ड लेट अस से कि उसको शौक है उसको एक डिजायर है उसको अच्छा लगता है उसको एक पैशन है बस यही मतलब एक अच्छा लगना ही हॉबी है फॉर टाइम बीइंग हां एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई मीन बाय हॉबी नॉट दैट ग्रे हॉबी ऑफ राइट योर हॉबी वो वाला हॉबी का मतलब है वो बहुत कॉम्प्लेक्स तो इट वाज गुड टॉकिंग और किसी को कुछ पूछना तो अच्छा इन लोग जब मतलब
डिफिकल्ट होमवर्क देने का फिर से मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रहा, क्यों पता नहीं, मे बी आई डोंट सी पीपल आईज हियर इन द क्लास, इसीलिए कि क्या. No, I think that because start नहीं हो पा रहे, so you are not able to. हाँ बोलिए. Difficult homework देने का ना हिम्मत पता नहीं थोड़ा सा नहीं आ रहा है. Class तो हो ही रहा है week. हमको लगता है अगर ऐसे start किया जाए कि जो difficult homeworks है उसको break down करके half homework यहाँ पे class में करा लिया जाए, जिसका most difficult part of the thinking and getting to know about what people are thinking about that and then giving them as homework would help. Okay, this is a very good idea. नेहा क्या बोल रही है, बोलिए नेहा, डरने का क्या है? अक्षिता बोल रही है एक बार डिफिकल्ट होमवर्क देके देखिए. ठीक है सर. हाँ नेहा, हाँ नेहा सुन रहे, बोलिए. आवाज नहीं आ रहा. और शायद नया का आवाज. खैर, लेट मी से माय लास्ट स्टेटमेंट. आई ऑलवेज टेल ऑल माय स्टूडेंट्स के ऑलवेज पीपल लाइक यू, उन लोगों को बोलते कि अभी कुछ नया सीखिएगा तो हमको जरूर बताइएगा. एकदम सर, ऑलवेज ओपन टू इट. ये हम हमेशा बोलते हैं, पता नहीं. आई एम हैप्पी टू से दिस. नहीं, आपको कुछ भी लगे ना कि दिस माइट हेल्प नॉट मी बट मी थ्रू मी सो मेनी पीपल, तो हमको हमेशा ही इसे बता दिएगा ना. And I promise कि उसको हम जरूर सीख सक के उसको कुछ ना कुछ I'll make use to people. एकदम एकदम, I agree to it. I make use of it. Yes sir. अच्छा, आपको ये homework करके इतना सब आप बोल रही मजा आया, अच्छा लगा, कभी गुस्सा नहीं आया? ये बाप रे बाप, गुस्सा in the sense कि सर क्या homework दे दी, बाप रे बाप. नहीं सर, गुस्सा in the sense disturb, shocking कि नहीं नहीं ये कैसे होगा, ये तो नहीं आया क्योंकि I was always excited about ना कि next क्या homework मिलेगा. It was more about challenging myself, जो हम खुद नहीं कर पा रहे थे. सर सब इंसान जानना चाहता है खुद के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, but not everybody can challenge themselves. So you made our work easier by challenging our mind for us. So I was always excited about it. That is what I'm trying to say. Everybody would not be thinking like you. मतलब ये बहुत, मतलब एक different ही सोच है ये, और मुश्किल सोच सोच के देखे ये लोग तो. सर लेकिन उसी के लिए ना, तो यहाँ पे 13 जन है, 13 के साथ तो all the 13 would have a very different perspective and seeing this class also on a very different level. So if we will have to land not on a very you know mutual experience or mutual thing ki bhai theek hai yahan pe we can settle on. So us according you, if you break the homework and do half of the homework at heart jahan pe kya in logo ko sochwana hai wo hum log yahi pe class mein decide kar le, then they can at least write it on home. So it will take a little more time but it will be easier and then after some time you will be reaching on that stage where they would be loving the exercises you are providing them to. Achha, Nisa, now you are telling them to do this so they might develop some faith. तो आपको ये अजीबो गरीब चीज पे ब्रांड बनाओ, पोस्टर बना के लाओ, ये सबका फेथ कैसे डेवलप हुआ? हमने ये फेथ आया कहाँ से? कोई आके तो बोला नहीं होगा सैनवा सर का बात मानना बहुत फायदा होगा. यू डिड इट ऑफ योर ओन, तो ये हुआ कैसे? तो जैसे आप बोले कि थॉट प्रोसेस जो चालू होता है वो बेसिकली खाली क्लास में नहीं होते, क्रिएटिविटी लेवल तब स्टार्ट होता है जब वो लोग लिखना शुरू करते हैं. सेम इज विद द फेथ. द फेथ डज नॉट स्टार्ट ओनली इन द एसे राइटिंग क्लासेस, इट स्टार्टेड यू नो विद ऑल द क्लासेस यू आर गिविंग थ्रू व्हिच वाज ऑन एन एजुकेशनल बेसिस. एंड देन what later parts helped was the movies you are showing us. Okay, so we are living in India. I am not criticizing India, okay, but what I'm trying to tell is that the education system or the curriculum they follow outside some places are really better than what they follow here. और जब हम लोग उस तरीके की मूवीज देखते हैं जहाँ पे ये फिगर आउट होता है कि नहीं, the way sir is teaching is similar to the way they are teaching in America and there are you know people happier about the education,
सो दैट इज वेयर वी लर्न अबाउट नहीं कि ये चीज सही है, वी शुड डू दिस. पढ़ाई तो स्कूल में भी हो रहा है ना, बट इफ वी आर लर्निंग इट समथिंग डिफरेंट. लोग हजार हजार रुपया दे के डांस क्लास के लिए जाते हैं, हजार रुपया देके पेंटिंग क्लास के लिए जाते हैं, सो वाई नॉट दिस? Why to consider this as education and not as a hobby, as a curriculum activity? So that is where I, you know, build up my faith. मैंने बोलना चाह रही हूँ कि dead poet society kind of thing develop हुआ. Yes, yes, agreed. That is, you know, on point answer. कि seeing that this is not going in vain, seeing that this has helped a lot of people which are not oriented to us. मतलब खाली हम लोग यहाँ पे जो 14 जने कर रहे हैं, खाली उन लोग को ऐसा technique benefit नहीं कर रहे, जो लोग हम लोग के अराउंड नहीं है और भी लोग है जो ये सब फॉलो कर रहे हैं और उन लोग को ये पसंद आ रहे हैं, ये देख के ज्यादा हिम्मत मिलते कि नहीं हम लोग बेवकूफ नहीं, हम लोग गधे नहीं है. देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर फॉलोइंग दिस एंड एक्चुअली फाइंडिंग अ ग्रेट लॉट ऑफ हेल्प थ्रू आउट दिस. ओके, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड बिफोर के आजकल बच्चे इतना सो सोशल मीडिया इफेक्ट एंड आल्सो ऑन एंड सो फॉर्थ यू सेड, तो सिंस यू आर एग्रीइंग टू योरसेल्फ कि आज मुश्किल है ये सब करना, सो व्हाट इज द वे आउट अबाउट सोशल मीडिया से दूर होना? नहीं नहीं नहीं, वो सब हम क्यों बोलने जाएंगे. आई एम नॉट एट ऑल आस्किंग एनीबडी टू गॉड. आई एम बोल रहा कि इतना सारा ऑप्शंस है उनके पास, सोशल मीडिया है, पता नहीं क्या इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, क्या है, यूट्यूब है, फ्रेंड है, ये है वो. सो नाउ, तब थोड़ा कम था, अब थोड़ा ज्यादा है. सो इस भूल भुलैया में ये होमवर्क और ये सब, ये फोकस, ये सोचना, हाउ दे मैनेज इट जेन्युइनली, नॉट सार्कास्टिक, सच में एक आजमा. इट्स अ वेरी, इसका आंसर एक लाइन में वेरी सिंपल, व्हाई आर यू डूइंग दिस? इफ इट्स अ हॉबी यू विल फाइंड टाइम फॉर इट. अगर आपको जो चीज पसंद है, अगर आप इंस्टाग्राम के लिए समय निकाल सकते हो क्योंकि आपको पसंद है, इसीलिए ना निकाल रहे हो. अगर पसंद है तो उसके लिए समय निकल गया, तो ये पसंद है तो इसके लिए निकलेगा ही निकलेगा. देर आर पीपल स्टिल हु रीड बुक ओवर टू डेज. आई स्टिल रीड ओवर सेम ओल्ड हैबिट्स. आई गेट अ न्यू बुक, रीड इट ओवर 3 days, सो आई कंप्लीट इट. आई एम ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया, बट आई स्टिल डू इट. So it is possible. That is the reason I'm doing it. So there are people, if they're interested in it, they will do it. जो लोग डांस में इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग डांस के लिए समय निकालते हैं ना, चाहे जितना भी सोशल मीडिया हो. वो आर जिम फ्रीक्स, जितना भी फोन चला ले, जिम ठीक पहुंच जाएगा ना 6 बजे कि यार नई बॉडी बनाना है, तब उस समय सोशल मीडिया नहीं आते. सो इफ दिस इज अ हॉबी, दे विल टेक इट, टेक टाइम फॉर इट. लाइक नथिंग कैन स्टॉप देम इफ दे फील दैट दिस इज अ हॉबी, दे वांट टू डू इट. अच्छा अनिसा, आपको याद होगा कि पहले जब एमएस राइटिंग क्लास कराते थे, तो आई टू टेल पीपल के राइट व्हाई यू आर डूइंग एमएस राइटिंग क्लास, एक बहुत लंबा लिखाते थे, शायद आप लोगों को लिखा था. हां हां, अग्रीड. हाँ, वो बहुत लोगों को मतलब एक क्लैरिटी देता था, एकदम एकदम वेरी रिक्वायर्ड. लेकिन एक्चुअली जो लोग पहला बार आए ना, उनको अगर ये लिखा है कि व्हाई यू वांट टू डू एस राइटिंग, वो बेचारे क्या ही लिखे. yeah. वो भी एक मतलब वेग हो जाता है. अग्री, इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग ऑफ आउट ऑफ इट देन यू कांट राइट, बट इफ दे हैव ऑलरेडी डन अ 6 month क्लास, 7 month क्लास, दे कैन राइट इट नाउ बिकॉज़ दे नो व्हाट इट इज. अब लिखाने जरूरी, बिकॉज अंटिल दे हैव दिस व्हाई क्लियर ना, हाउ होगा ही नहीं. आई एग्री टू यू, व्हाई बहुत क्लियर होना चाहिए. जैसे हमको ही पता, हम 2 जन्म क्यों 2 साल पढ़ा है, क्योंकि हमको अपना मेरा व्हाई क्लियर था एकदम. एंड वो 2 लोग भी मन लगा के पढ़ा ये सोच के कि नहीं ठीक है हम लोग 2 ही है तो हम लोग करेगा. एंड दे वर वेरी सिंसियर, वेरी सिंसियर. बोली तो रहे, दे वर फ्रॉम देयर स्कूल ओनली. एक नाम था अंजलि और एक नाम था गरिमा. दे केम एवरी संडे एंड आई टॉट देम एवरी संडे. सो खैर, आप जाइए, जब आप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तब तक इन लोगों का हम ट्रेडिशनल थोड़ा पढ़ा ले. हाँ हाँ, एकदम एकदम. थैंक यू अनिशा, इट वाज वेरी गुड. वेलकम सर. थैंक यू. ठीक है, हाँ सर, लीव करें मीटिंग. हाँ हाँ अनिशा, थैंक यू. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. आई लगे इनवाइट यू नो वेरी ओके. डिफिकल्ट टॉपिक देंगे तो अनिशा आपको भी बुलाएंगे. हां एकदम श्योरली. हां मतलब व्हिच यू हैव नेवर डन और यू नेवर थॉट, वैसा होमवर्क होगा, आई विल इनवाइट यू. Yes, sir. You can just text me the homework if I don't even do it, because agar hum abhi aapko josh josh mein bol bhi dem kar le, I'm pretty sure I will not be able to. So at least I will think about it. Zaruri nahi hai likhna. I can just think about it during my, you know, any time I'm free. ठीक है निशा, thank you. Okay. Welcome, sir. चलिए शुरू करते हैं हम लोग. सीखा? Yes, sir. आप वो होमवर्क किए हैं कोई एक टॉपिक का? हाँ सर, जो आपको सेंड की वही ना. हाँ हाँ, उसका एक बोली ना सीखा सर. 2012 का एक टॉपिक था
कि nowadays we have careers to cater to everybody's interest and aptitude. तो उसमें like alchemist book में जो protagonist था उसको दुनिया देखना था, उसको एक जगह नहीं रहना था, उसको नए लोगों से मिलना था और ट्रैवल करना था. तो इसलिए उसने प्रीस्ट ना बन के शेपर्ड का करियर चुना. ठीक है, तो ये मींस ऑप्शंस तभी था, मींस वो एक मेडिवियल जमाना का बात चल रहा है. उसके बाद फिर डेड पोएट सोसाइटी में जो प्रोफेसर कीटिंग है वो एक बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट थे, फुटबॉल में अच्छे थे, ये सब मींस दिखाया गया उनका बैकग्राउंड में. बट ही चूज टू बिकम इंग्लिश टीचर. मीन्स वो और भी बहुत सारे करियर्स कर सकते थे जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते उनके लिए शायद, क्योंकि वो नॉलेज देना चाहते थे, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहते थे अपने यंग माइंड्स को. उसी तरह अभी भी अभी वो मीन्स लाइक 10 years बैक का मूवी है या वो मिडिवियल जमाना का बुक जमाने के बारे में बैकग्राउंड लेके बुक है. तो नाउ डेज तो करियर इतना ज्यादा ब्रॉड हो चुका है कि अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है ना, यू कैन बी अ डायरेक्टर, इंजीनियर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक इंजीनियर, कंपोजर, कंपाइलर, बहुत सारे फील्ड्स हैं. तो नाउ डेज देर आर करियर्स फॉर एवरीबडी इज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड. ये मैंने ये लिखा था. सही लिखा, मैंने आपका पढ़ा भी था, बस जस्ट आई सेड टू से किता कॉन्फिडेंस. और कोई कुछ लिखा है बोलना चाहेगा कोई और अभी होम क्लास वर्क देख के, मतलब कॉपी देख के? अच्छा, इससे पहले कि अमेंड करें, हम पूछना चाहते हैं किसको किसको ये लग रहा है, लग ही सकता है कि ये नहीं, आप चैट में बोल सकते हैं कि हम इन लोग को जबरदस्ती ऐसा बोलने बोलते होंगे, ऐसा लग रहा है किसी को? सही बात, आप किस लिए हाथ उठा रहे? हाँ सही बात, बोलिएगा, आप बोलिए. सर हम वो बोलना चाहता था, वो जो आप होमवर्क दिए थे उसपे अभी हम सोचा. हाँ सही बात. हाँ सर, हम बोल रहा था कि 2016 का टॉपिक नंबर ए था कि यू हैव लर्न्ड एनी 3 लेसंस इन योर लाइफ, मतलब वो क्या इम्पोर्टेंस है उसका और आप कैसे सीखे. सर बहुत सारा है, जैसे हम लोग, मेरा पहला क्लास था डेड पोएट्स सोसाइटी में. तो सर डेड पोएट्स सोसाइटी में जो जो टीचर था उसका जो थर्ड क्लास था उसमें वो हर स्टूडेंट को बोला था कि अपने अपने तरीके से चलो, अपना अपना एक वॉक करो. तो इससे मेरे को ये सीखने मिला लाइफ में कि सबका तरीका अलग अलग होता है, सबका वे अलग होता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है. जरूरी नहीं उसका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैच करना चाहिए, सभी का वे लाइफ में अलग होता है. डेड पोएट्स सोसाइटी से मेरे को ये सीखने मिला सर. फिर दूसरा है, बहुत सारा क्लास है, फिर सैंटियागो जैसे अल्केमिस्ट पढ़ने में बोले थे, उससे हम लोग मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला कि मतलब प्रेजेंट में जीना चाहिए, पास्ट नहीं. फिर ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए. ड्रीम्स को फॉलो करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ड्रीम है क्या, एक्चुअल क्या है मेरा ड्रीम. वो भी बहुत जरूरी होता है, बहुत जन को पता ही नहीं है कि ड्रीम ही क्या है उनका लाइफ में. ये अल्केमिस्ट सीखने मिला सर. थर्ड क्लास शायद वो था मेरा वैल्यू वाला, वैल्यू से क्या बहुत कुछ सीखने मिला कि हम क्या क्या अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या क्या मेरे को प्रैक्टिस करना है. जैसे मेरे को करेज बिल्डअप करना है, मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए मेरे अंदर, हम क्यों भी सिचुएशन में अडैप्ट हो सके, अपने आप को अडैप्ट कर सके किसी के भी साथ. ये सब बहुत ही मेजर फीचर्स है जो होना चाहिए. तो ये मेरे को सीखने मिला कि लाइफ में ऐसा ऐसा फीचर होता है और हम जिसको प्रैक्टिस कर और कैसे प्रैक्टिस कर सकता है और लोग कौन सा फीचर प्रेफर करते हैं. वेरी गुड. अच्छा सी बात, एक क्वेश्चन है कि सपोज ये क्वेश्चन आया बोर्ड्स में, ठीक है, और आप ऑलरेडी ये सब सोच के रखे हैं, तो क्या आपको लिखने में और बिना सोचे क्या लिखने में एक जैसा होगा? सर एक बार वापस बोलिए क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन है कि ये टॉपिक आया आपके स्कूल में ही आया, लेट्स से, या बोर्ड्स में आया, सो आप इसके बारे में कभी नहीं सोचे थे और अभी आप इतना दिन से सोच के मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, सो ये लेसन और ये लेसन क्या एक जैसा होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होगा. सर ये लेसन बहुत सोच के लिखा हुआ और बहुत ही मतलब प्रिसाइज होगा और वो हर बड़ी में लिखा हुआ कुछ और ही चीज होगा. हाँ, वो बहुत सुपरफिशियल टाइप होगा, शैलो होगा मेरे हिसाब से. हाँ सर. और क्योंकि आप सोच सोच के लिखे, बट डीपली इसको फील किए हैं, खोजा खोजी किए, दिमाग में पूछे हैं,
मेरे हिसाब से ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। क्या बोलो सी बात आप? और सर हम ये भी बोल रहा था कि जैसे उस समय हम लिखेगा ना तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होगा, जैसे आज मेरे पास प्रूफ है कि हम सैंटियागो का स्टोरी पढ़ा है तो मेरे को पता है कि हाँ ऐसा हुआ, उसने ऐसा देखा, उसको ड्रीम ऐसे मिला, तो उस समय मेरे पास कुछ होगा ही नहीं सोचने के लिए। जैसे आप मेरे को डेड पोएट्स सोसाइटी दिखाए तो मेरे पास सोचने के लिए है कि हाँ मैंने उससे क्या सीखा, उस समय तो मेरे को कुछ पता ही नहीं होगा, बेग हो जाता। हाँ वही, किस डायरेक्शन में सोचे साला ये नहीं समझ में आता। वही सर, ट्रू ट्रू, सही बोल रहे आपसे बात। थैंक यू कि आप मतलब होमवर्क करते हैं, सोचते हैं आईएनएम। हम सच बोल रहे हैं, लेट मी से दिस, यहाँ जो लोग आते हैं ना, मतलब जो होमवर्क नहीं भी करते हैं, हम ये नहीं बोल रहे होमवर्क नहीं करना चाहिए, हम उनको भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं। क्यों? इस क्लास में आ ही जाना इटसेल्फ इज चैलेंजिंग, मतलब इज नॉट एन ईजी थिंग एंड ट्राइंग टू बी डिफरेंट, मैंने आ जाना ही, होमवर्क करना तो वुड बी मच बेटर। एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल because I have taught students only two for two years, so उस हिसाब से तो हमको आप लोग का एहसान मानना ही चाहिए, तो I'm happy। अच्छा हाँ, हम पूछ रहे थे कि आप लोग कहीं नहीं लगता कि इन लोग को हम वो जैसे वो एड में होता है टीवी में कि पैसा दे के शाहरुख खान बोलता है आप भी यूज कीजिए आईफोन, तो आप लोग को नहीं लगता है कि हम इन लोग को ऐसे बुला रहे, मैंने बुलवा रहे हैं? You can say, इस क्लास में आप कुछ भी बोल सकते हैं। सर एक बात बोलूं? मेरा क्वेश्चन बहुत बचकाना हो गया। नहीं सर बचकाना नहीं हुआ, मींस जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत लोग सोच सकता है। बट सर जैसे वो दी बोल रही थी, मतलब लास्ट डे भी जो आई थी और आज आई थी, वो लोग मींस बहुत डीपली बोलता है, वर्ड्स आता है उनको, वो लोग मींस ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस किए हैं 10 बार और फिर आके बोल रहे हैं, वो सुन के समझ आता है कि वो लोग दिल से बोल रहा है या डीपली बोल रहा है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, मतलब पैसा खा के नहीं बोल रहा है। नहीं सर फेक नहीं था। पलक बोल रही, हमको ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे पलक? एक बार लगा था कि आप बुलवा रहे मतलब पैसा देकर, लेकिन फिर मतलब जब वो जब गजल बोली कि जब ये बोल रही थी, नहीं जब गजल दी वो आए थे ना फर्स्ट टाइम तो उन्हीं का हुआ था ना शायद, उसके पहले और कोई नहीं आता। हाँ तो फर्स्ट मतलब लग रहा था थोड़ा सा देर के लिए, फिर उनका जो वर्ड्स और मतलब अपना एक्सपीरियंस वो जिस तरह से बता रहे और मतलब वो फील हो रहा था, तो मतलब वैसे नहीं लग रहा उसके बाद कि आप वैसे मतलब के By the way, लोग इतने अमीर हैं कि I do not have money to pay them. They are super rich people. और I'm thank you कि आप आपके अंदर इतना trust हो गया है to me कि आप ये बोल भी रही हैं कि हम ऐसा सोच लिए। This is a success of this class and I am very happy कि आप ये बोल रही हैं, हमको doubt हुआ था। ये बोलना ही इस class का success है। Very good. Thank you for saying it honestly. Full marks for honesty. और किसी को पलक की तरह doubt हुआ? बोल सकते हैं वो, जैसे वो बहादुर है, मैंने दिस विल टेक यू लॉन्ग इन लाइफ पलक कि ये बोलना कि हमको हुआ है। नहीं सर, नहीं आपको नहीं होगा, आपसे मेरा रिश्ता तो कब का ही है, मतलब कोई जानते हैं निशा दीदी को ना। हाँ वो बात भी है, इसीलिए ना हम सोच रहे थे एक दिन कि आप माने हम बिफोर आई स्टार्टेड दिस क्लास आई वाज थिंकिंग कि हम उन लोग आपके क्लास में जो है मतलब एक साल पहले से जिसको हम पढ़ाए अग्रसेन में, उन लोग से पूछ के आने के आप ये लोग बताइए, ताकि ये वाला बात का एक बार हल ही हो जाए कि आप ही पूछिए आप ही समझ जाइएगा। जैसे अच्छा वो हम जिन लोगों को पढ़ाते थे अंजलि हो जाए, कोई जानता है अंजलि हो जाए? गरिमा बैत आपके स्कूल में थी इसका? हाँ आपके वहाँ रहती है, और कोई नहीं जानता है? लेकिन आप कहाँ पूछिएगा ना सीजन जेवियस का, हाँ कैसे कॉन्टेक्ट होगा। खैर तो जिसको लग रहा है कि पलक इज वेरी ऑनेस्ट, उसको तो लग रहा था, बाकी लोगों को क्या लग रहा था कि ये ना एकदम दिल से बोल रही है एकदम? लग रहा नहीं, लग रहा था। हाँ था ही बोल रहे, अगर अभी प्रेजेंट टेंस होता तो आप यहाँ होती नहीं पलक, होमवर्क ही नहीं करती आप, आती भी तो होमवर्क नहीं करती, इतना बड़ा होमवर्क किया आप, आपका सबसे डिटेल्स होमवर्क है। तो क्या कनिष्का बोल रहे हैं? कनिष्का क्या बोल रहे हैं आप? नहीं कनिष्का तो हाथ उठाई थी अंजलि ओझा को जानने के लिए। ओके आप लोगों को क्या लगा कि हमको क्या लगा हम बता रहे हैं। अक्षिता क्या बोल रही? कोई पैसा ले कर दिल से खुल कर नहीं बोल पाएगा।
अक्षय अक्षिता आप आज बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या आपका माइक खराब है कि गला खराब है कि आपको डर लगने लगा अचानक? नहीं सर बोल तो रहे हैं। हाँ क्या बोल रही, बोलिए। शायद आपको वहाँ गाना भी बज रहा था। अरे नहीं। हाँ क्या बोल रही है कि कोई ऐसे दिल से नहीं सर, मतलब बोल रही है कि जैसे कोई पैसा लेके इतना दिल से मतलब खुल के कोई नहीं बोल पाएगा। पैसा लेगा तो होता है ना कि हाँ इतना बोलेंगे इतना, वो तो जैसे दिल से बोल रही थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, इतना खुल के आराम से एकदम बिंदास लेकर खुले कोई बोल पाएगा। सही बोल रही है, एक दिन तो तब आएगा मजा, तब एक दिन होगा। आई बिलीव इन इट वेरी स्ट्रांगली। इसी में से एक दिन ये लोग बोलने आएंगे, देखिएगा। आई हैव अनश्रिंकिंग फेथ ऑन दिस। होगा, व्हेन यू विल बिकम एचआर ऑफ विप्रो, एचआर के लिए बहुत बोलना जरूरी होता है, तभी आप एचआर बनते हैं। वो विप्रो की एचआर है, एचआर मतलब पीपल हु रिक्रूट अदर्स। इस उम्र में किसको रिक्रूट करती होगी? शायद काबिलियत की वजह से लिए होंगे लोग। इस उम्र में कोई एचआर बनता है? हम तो देखे ही नहीं थे। 21 साल बोल रही थी ना, मे बी सी कुड स्पीक वेल। कितना फ्लॉलेस बोल भी रही थी, अच्छा बोल रही थी, मतलब नॉट फ्लैटरिंग। HR क्या होता है? HR होता है people who recruit, मतलब कहीं आप इंटरव्यू दीजिएगा ना, मतलब कोई भी मतलब साइंस का कॉमर्स का, तो मतलब ये एक्चुअली साइकोलॉजी पढ़ी है, शी इज अ ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब के लिए इंटरव्यू लेते हैं। एक आपका सिर्फ साइकोलॉजी देखने के लिए एक आदमी को रखा जाता है, तो ये साइकोलॉजी बेस्ड HR है। मतलब ये मतलब आप उसके कंपनी में इंटरव्यू देने के, विप्रो में वो काम करती है, लेट से एज अ साइंटिस्ट इंजीनियर एग्जाम्पल दे रहा है, एज ए डॉक्टर उनके कंपनी में, तो वो आपका साइकोलॉजी देखेगी, यही उसका काम है। मतलब आपको जज करेगी, पूछेगी। सर का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब वो लोग जो जिनको काम दिया जाता है, ये कि कौन एम्प्लॉय बनेगा, हम लोग कौन, वही तो उनको पूरी तरह से परखना, और जो होता है ना तो लाइक रिक्रूटमेंट का बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो वो सब कुछ करना। जैसे आप बोले कि अभी वो साइकोलॉजी की है, तो वो उस पार्ट का काम करती होंगी उनका। आपको कैसे पता इतना? सर कॉमर्स स्टूडेंट है हम। अच्छा, उसमें तो एचआर का एक पार्ट चैप्टर होता है। हाँ सही बोलिए। हाँ तो ये साइकोलॉजी जज करती है लोगों का। वैसे तो एमआर भी होता है ना सर? एमआर क्या होता है? एमआर नहीं पता सर, शायद वो लोग सेल्स वाले डिपार्टमेंट का। हां 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 सेल्स में होते हैं एमआर। तो ये एक तो कितना अच्छा है उसका जॉब है। इमेजिन कि मेरे हिसाब से तो अच्छा है, साइकोलॉजी भी पढ़ी, कम्युनिकेशन भी सीख गई, इसको यूज करके अपना काम भी करती है। साइकोलॉजी उसका हॉबी है, साइकोलॉजी उसका जॉब है, कम्युनिकेशन ही उसका, मस्ट बी वेरी फुलफिलिंग टू हर। खैर वो जब साइकोलॉजी ले रही थी तो लोग अगेंस्ट थे, बट स्टिल सी कुड परस्यू, होल्ड ऑन टू इट। लेकिन बाय हैविंग सेड ऑल दिस, दो आई एम नेवर नेगेटिव, यहाँ लोग बहुत कम होमवर्क करते, पता नहीं क्यों। यहाँ होमवर्क समझा नहीं पा रहे कि अनीशा जैसा आधा होमवर्क करा दे कि क्या करे कुछ। पर वो भी ट्राई कर लीजिए, वही करने होगा। एक्चुअली हम तो आपको वादा करके फंस गए पहले 90 मिनट्स का, वो तो हमारे मार कर दिए हम खाली घर। मुझे को अभी जाना है ट्यूशन में। हाँ तो 4 बजे ना? हाँ सर पहुंचना है, 4 बजे से टेस्ट चालू है। पहुंचना मतलब ऑफलाइन? हाँ सर ऑफलाइन क्लास चालू हो गया आपका? सर बस वो टेस्ट के लिए बुलाए हैं सर, थोड़ा ईमानदारी से टेस्ट हो जाए एक बार साल में। हाँ सर टेस्ट के लिए। ओह अच्छा टेस्ट के लिए, ठीक है तो एंड कर ही देते हैं। अच्छा कौन कौन बोल रहा है कि एक बार थोड़ा डिफिकल्ट होमवर्क हो ही जाए? सर हो जाए, रेडी करिए सर, सर तो सुनने के बाद लग रहा है कि अच्छा होगा ना, तो ना कि हाँ चलो करके देखते क्या है इसमें, ऐसा उस टाइप का भी हो गया कि हाँ चलो देखते क्या है। कहीं डर मत जाइए अक्षिता सर। हाँ यहाँ पे कोई आपका भी रियल क्लास नहीं किया ना, मतलब जो लाइव क्लास में? नहीं नहीं कोई नहीं किया सर। तब संडे सुबह 7 बजे जब ऐसे राइटिंग क्लास करने आएगा तब पता चले। अच्छा हाँ ये अच्छा हुआ आप ये बात याद दिलाए। हाँ वो गजल जैन जो थी ना उन लोग का बैच में, बिलीव कीजिए कि उन लोग को हम 7 नहीं 6 बजे सुबह बुलाते थे, कोई दरकार नहीं था, सबका टाइम था, मेरा भी टाइम था, हम सिर्फ उन लोग का सिंसरिटी जज करने के लिए सुबह 6 बजे बुलाते थे ताकि फालतू लोग 4:13 ताकि फालतू लोग हट जाए और सिर्फ सिंसियर लोग ही रह जाए। वैसा बहुत कुछ किए हैं अब, खैर उतना सा हिम्मत नहीं है, 2 जन बच्चा ही आने लगे तब क्या ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये लोग इतना सन बोल रहे। अच्छा एक और बात, वो बार बार ये बोल रही थी कि जो इसको हॉबी समझेगा
उसी से होगा। और सच में हर किसी में आप मकसद खोजने लगेगा तो एक बार के लिए तो नहीं मिलेगा, तो एक डिफिकल्ट होमवर्क देने का हम लोग कोशिश करते हैं। लेट्स सी, ये होमवर्क लेट मी टेल यू इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू बोर्ड्स, लेट मी बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू गेट मार्क्स, बट इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एट अ सुपर लेवल। ना इसको लिखना है, ना इसको करना है, मतलब भेजना है, ना कुछ, सिर्फ एक मिनट लगेगा आपको मेरे सामने स्क्रीन पे करने होगा। हिम्मत है? क्या करना है? घर आइए, आपको ये बता दे, कभी कोई हम नॉन वेज होमवर्क नहीं देंगे आपको, कभी कोई पॉलिटिकल के अगेंस्ट या नेशनल के अगेंस्ट ऐसा कोई होमवर्क नहीं होगा, हमेशा से ही। इट विल बी विद इन द बाउंड्री ऑफ एज अ टीचर एज स्टूडेंट, वैसा कुछ नहीं देंगे, घबराइए मत कि आपको डांस करने बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? सो देखते हैं एक बार, ठीक है? तो हम आपको एक तो वीडियो दिखाएंगे, अभी एक मिनट का है वो। उस वीडियो में बहुत सारे इमोशंस है, आपको उसमें से कोई भी चार इमोशन नेक्स्ट क्लास यहाँ वीडियो ऑन करके वैसे करना है। Let me, I'll show you the video. The video is 1 minute 30 seconds approximately. वो बहुत लंबा है, आपको उसमें से कोई भी चार happiness, joy ये करके आपको स्क्रीन चालू करके वही लाइन वैसे इमोशन से बोल के दिखाना। इससे क्या फायदा होगा? लेट मी बी ऑनेस्ट, इससे आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, इससे ISC में कोई काम नहीं है, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब उस कॉन्फिडेंस से क्या कुछ होगा वो तो किसी को नहीं पता। सो लेट्स सी, एक बार जिसको जिसको होमवर्क ये देखना हाथ उठाए, तो तीन ही जन हाथ ही उठा रहे हैं, क्या किस हिम्मत से दे? चाक्षिता, सीखा, पलक, रिया, आर्या, कनिष्का, आयुष, बाकी लोग डर से हाथ उठा दिए कि सब उठा रहे, उठा ही लो। लेकिन हाँ, वो एक और बात बोल रही थी। हाँ नहीं, वो वीडियो में दिखाई देते हैं, रुकिए ना, इतना तुम छोटा सा है, भेज भी देंगे, दिखा भी देंगे, भेज भी देंगे। कहीं जाना है क्या आपको पलक? नहीं सर, मतलब अभी देखा, नेक्स्ट वीक में मतलब वो बोलना और दिखाना भूल जाएंगे ना, बीच में बहुत सारे क्लासेस भी होते हैं। Let me tell you, this is a creative writing class. यहाँ हर कुछ एक अजीब और गरीब होगा, तभी ये creative writing class है। तो इससे confidence बढ़ेगा, और एक बार confidence आ गया, तो ऐसे writing सब कुछ में help होगा, maths में भी help होगा, science में भी help होगा। So ये video देखिए आप, और पहले देख लीजिए बिना कोई। लड़का निकल गया, लड़का लड़का निकल गया, लड़का लड़का निकल गया, निकल गया, लड़का निकल गया, निकल गया, लड़का निकल गया, लड़का निकल गया। ओ निकल गया लड़का, लड़का लड़का निकल निकल गया लड़का, ओके देखे वीडियो आप लोग। हाँ सर, करना क्या है आपको, ये तो बहुत इमोशन था, आपको सिर्फ चार इमोशन का प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास या वीडियो ऑन करके बोलना है। क्या 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 लिख लीजिए, एक जॉय, एक हैप्पीनेस, एक शॉक,
सर आप भेज दीजिए ना, मैं अभी नोट नहीं कर सकती और मैं लीव कर रही हूँ अभी। ठीक है सर, नेक्स्ट का क्लास है ये, लेकिन नेक्स्ट क्लास आप कीजिएगा। ठीक है सीखा, एक बार के लिए बहुत डिफरेंट okay, बहुत मुश्किल लगेगा, बट एक बार हिम्मत करके कर देने से डर खत्म हो जाएगा पब्लिक का, मतलब पब्लिक स्पीकिंग कुछ भी करने में डर नहीं लगेगा। तो ये हम भेज दे रहे हैं अभी, आपको करना ये है कि आपको ये मतलब यही लाइन को अलग अलग पांच इमोशंस के साथ बोलना है, चार ही पकड़ते चलिए, हैप्पीनेस, सैडनेस, चलिए एक बार फिर से देखते हैं और इमोशन चूज करके बता देते कि कौन सा वाला सही है। लड़का निकल गया, लड़का लड़का निकल गया, लड़का निकल गया, निकल गया, लड़का निकल गया, निकल गया, लड़का निकल गया, लड़का निकल गया। निकल गया, लड़का 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 कौन कौन सा इमोशन था यहाँ? सर हैप्पी था, सैड था, एंग्री था। मुझे कोई इंटरप्ट कर दिया मैच देखने के बीच में। अच्छा दूसरे रूम से आवाज आ रहा है भूत वाला टाइप का, वो भी था तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा कौन सा चार होमवर्क दे बोलिए तो जो आसान हो। सर हैप्पी, सैड, एंग्री और जब कोई इंटरप्ट कर रहा था। ठीक है, ये चार आपको नेक्स्ट क्लास वीडियो ऑन करके ये इमोशंस को बोल के दिखाना, और बाकी लोग जज करेंगे कि आप जब हैप्पी बोल रहे तो सैड तो नहीं लग रहे, और जब इंटरप्शन वाला बोल रहे तो सेलिब्रेटिंग तो नहीं लग रहे। तो ये आपको होमवर्क है। किसको किसको ये होमवर्क बहुत मतलब बहुत मुश्किल लगेगा स्क्रीन पे सबके सामने बोलने में, जिसको मुश्किल लगेगा उसके लिए ये होमवर्क है, इस लोगों को लगेगा। ओके पलक, अक्षिता, वैभव, इन लोगों को लगेगा मुश्किल। हंसी नहीं निकलेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अब नहीं हंसिएगा। ठीक है, तो इस वीक हम कोई होमवर्क नहीं देते, सिर्फ एक बार हम हर हफ्ता ही पूछते रहेंगे जब तक हमको याद रहा कि 10 इयर्स का एक दो टॉपिक बताइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फेथ मान के आप रटने लगे। जैसे पलक 5 साल का सुना दी, उसको हम 1 साल और सुनेंगे, फिर 1 साल ऐसे करके। आई विल कीप दिस होमवर्क एज अ परमानेंट होमवर्क ऑफ आस्किंग यू द नेम ऑफ द टॉपिक, कि ये परमानेंट होमवर्क रहा। इस वीक का कोई होमवर्क नहीं, इस ये हम वीडियो भेज दे रहे अभी, इसको देख के लड़का निकल गया ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, एक तो जब स्क्रीन पे आप बोलने लगेगा ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फिर व्हेन यू विल नॉट स्पीक लाइक ए स्टोन। अब जब बोलने लगेगा तो इमोशन चेंज होगा। देखिए फॉर एग्जांपल अभी अनीशा बोल रही थी, उसका नाम अनीशा बजाज, सो जैसा इमोशन था हंस के भी बोल रही थी, चुप भी हो जा रही थी, सीरियस भी हो जा रही थी, ऐसे आप लोग नहीं बोल पाइएगा। तो लेकिन एक दिन आपको भी कुछ ना कुछ बनने होगा, तो वहां तो आप एक जैसा स्टोन ऐसा फीस बना के सब बोलते रहेगा तो अजीब ही बेवकूफ लगेगा ना। व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू स्पीकिंग सोरो, सोरो शुड प्रोजेक्ट ऑन योर फेस, व्हेन यू स्पीकिंग हैप्पी, हैप्पीनेस शुड प्रोजेक्ट ऑन योर फेस। सो इस क्लास का यही मकसद है कि आप बहादुर बन जाइए। हाँ, और अक्षिता पूछ रही है कि कैसे समझ में आएगा कि कौन सा इमोशन है, आप बोलिएगा और हम लोग जज करेंगे कि कौन सा इमोशन है। सर वो नहीं, बोलना क्या है उस इमोशन को, मतलब एक्सप्रेस करके लाइन क्या बोलना है। बोलता नहीं करेगा और क्या, आप क्या बोलना चाहती हैं? वैसे बोलने को तो बहुत कुछ ही है,
इंडिया पाकिस्तान हार गया भी बोल सकते, लेकिन फिलहाल आप इसी को बोलिए, लड़का निकल गया ही बोलिए, फिर हम क्लास में दूसरा लाइन देंगे ऑन द स्पॉट। फिलहाल आप एक हफ्ता ये प्रैक्टिस कीजिए, लड़का निकल गया। कौन कौन कर लेगा ये होमवर्क? रेज योर हैंड। सभी कर लेंगे, डर नहीं लगेगा आपको? पलक थोड़ा सा लग सकता है सर, देंगे। कनिष्का नहीं, आप पहले से प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं हंसी आएगा। हाँ सर वही। दीप्ति आपसे हो जाएगा? हाँ सर। वेरी गुड सर, मिलने थोड़ा लगेगा, आसान था। ठीक है, देखते आप कितना पागलपंती करती नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो इट वाज गुड कि आप लोग आए, थैंक यू फॉर कमिंग, कीप कमिंग, कीप कमिंग, यू विल नॉट रिग्रेट कमिंग हियर, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, तो एंड करते हैं आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं। ये हर कोई एक कितना होमवर्क दिए हम? 5 ना 4? सर 4। ठीक है, 4 होता है, हम भेज देते अभी और व्हाट्सएप में आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, एंड कर रहे हैं, थैंक यू सर।